देखो मेरी तरफ से राम राम, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज नेटवर्क। तो इस टाइम में नेशनल हाईवे पे, जम्मू की नेशनल हाईवे बटोत के पास में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस टाइम एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा। मैं अपने कैमरा मैन को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नुकसान हुआ है, जितने व्यूअर्स हैं जय भारत न्यूज के व्यूअर्स हैं उनको दिखाने की कोशिश करें। ये माल मवेशी यहाँ पर खड़ा था और कैमरामैन थोड़ा आगे आने की कोशिश करेंगे और मैं दिखाना चाहूंगा कि कितना बड़ा यहाँ पर एक हादसा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं पशु जो है, ये पशु भेड़े बकरियां जो है काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कौन वो माल मवेशी वाले थे, कितना नुकसान हुआ है, कम से कम ये जो ड्राइवर है, मैं ड्राइवरों को ये लापरवाही बहुत ज्यादा, ये लापरवाही जो है, ये ड्राइवर लापरवाही करते हैं, इनकी लापरवाही से इतना बड़ा यहाँ पर जो है हादसा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। रोड बंद कर दी, वरना मत जाइए, रोड नहीं खोलेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है। मेरा नाम चौधरी हारून रशीद है, मैं पटोल से रहने वाला हूँ। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ लीडर हूँ और बेसिकली बात है, हमारे 5 साल पहले हमारे पहले भी एक हादसा हुआ था, उनको भी कुछ इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि हम चाहते हैं मौके पे डीसी साहब आए और इन गरीब आदमियों पे इंसाफ किया जाए और जो इनके माल मवेशी कुछ भी है, जो हादसे में कुछ भी है, पहले नंबर तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा कसूर है। उन्होंने देखना चाहिए क्या ये गाड़ियां किस स्पीड से जाती है। कल छोड़े ये तो भेड़ बकरी थी, अगर इंसान होता था उनसे फिर क्या हो सकता था। अभी यहाँ पे 3-4 स्कूल है, किसी बच्चे ही अगर आ जाता था कौन करता था। इसमें इंसाफ तो होना चाहिए, अगर आज ये गरीब आदमी ये साइड हो जाएंगे, कल कौन पूछेगा। जो बात होगी मौके पे होगी, जो इंसाफ होगा इधर ही होगा। जो आज इनके साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज हम ये चाहते हैं इनसे शाबाश मिलजुल के और इंसाफ उनको दिलाएंगे। डीसी साहब मौके पे आने चाहिए। एक मिनट सर, मैं शुक्रिया लोगों की अपील करता हूँ, हमारी मदद करेंगे यहाँ के लोकल साहब। देखो बिल्कुल रोडों पर रहती है तो हमारी मदद करे, खुदा के लिए करे। दो साल पहले 2 किलोमीटर पर एक लड़का नौजवान 18 साल का लड़का 30 से ज्यादा बकरियां मार डाली। आते वक्त रामन में एक लड़का था पूरे परिवार का, वो भी मार डाला, उसका माल भी मार डाला, टिकरी में मार डाला, उधमपुर पिछड़ी में मार डाला। 15 से ज्यादा हादसे हमारे सुविधा में ये हो चुका है आज के दिन तक, लेकिन पुलिस ने इतनी गौर नहीं की कि ड्राइवरों को कोई नसीहत किया जाए। जहाँ पे माल आता है जनाब मारे हुआ उनका इंसाफ कोई नहीं हुआ, एक आदमी मारा गया, इंसाफ होना चाहिए बस। लेकिन हम तो रोड जल्द से जल्द रोड करके जाए। देखो हम यही चाहते हैं क्योंकि इंसाफ इनको जब तक नहीं मिलेगा हम इधर से कोई नहीं जाएगा। कल आखिर अगर आज हम इनके साथ हुआ कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये गरीब आदमी है क्या इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि इंशाल्लाह हम इनका पूरा साथ देंगे, ये हमारा हक है। और मैं खुद एक एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा नाम भी चौधरी हारून रशीद है। मैं अगर इंसाफ दिलाएंगे पूरा इसमें शाबाश दिलाएंगे। सर बात ये है, देखो इसने कमरबानी हुई है, जिसका माल है ये गरीब ज्यादा मार डाला, 2 गाय मार डाली। हम बीजेपी पार्टी से अपील करना चाहते हैं, उनका भी खून हो चुका है। अगर कोई हमारे देता तो घर में दूध लेने को उसको ले जाता था, उसको वहाँ पे जलाया जाता था, ये व्यापारी किसने के लिए जा रहे, लेकिन हम किशोर वाली रूट पर जा रहे हैं, माल चलाने साइड में जा रहे हैं, किशोर में जाते हैं। जल्द गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत लीडर राणा साहब से भी अपील करते हैं, यहाँ ये हमारे जो आपके मीडिया के चैनल से देख कर जल्द ये इंसाफ दिलाया जाए। ये देख लो इनकी कंडीशन सर, देख लो इनकी कंडीशन, देख लो सफर कर। कोई कुछ नहीं, गाड़ी को जल्दी
इतनी आग थोड़ी लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। कल अगर फॉरेस्ट रेंजर कोई बच्चा ही इधर से आ जाता था, हमारे स्कूल है और साथ में इधर हाई स्कूल है, छोटी बच्ची छोटी बच्ची आप मुझे बताओ, छोटी बच्ची साथ में भी धक्का लगाएगा। सर ये बच्चा देखो, इस बच्चे की जूते देखो, बच्चों के कंडीशन कपड़े देखो बच्चों के। सर हम इस हालात में चलते हैं तो हमें फाका से चलते हैं इस हालात में, लेकिन हमें खाना नहीं मिलता है रास्ते में, खाने को हमें जगह नहीं मिलती है बैठने को। रोड पर ड्राइवर मार डालते हैं, जंगलों में क्लोजर है, जंगलात वाले खा डालते हैं, गांव में डकते हैं गांव वाले खा डालते हैं। लेकिन हमारे लिए इंसाफ होना चाहिए, आज ही नहीं होना चाहिए, जो आने वाला जितना भी वक्त है सबके साथ होना चाहिए इंसाफ, जिनका भी कुछ हुआ हादसा। और जो सफर हम करते हैं हमारे सफर के लिए कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए। हमारे घोड़े दो चार आ रहे हैं, वो भी लगाइए। हम लोग इसके लिए जाएंगे, किसी साहब को मौका मिला तो फिर हम रोड शो देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते हुए जय भारत न्यूज नेटवर्क, मुझे दीजिए आजाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।